Welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी how to score more than 95% in class 12 board exams. तो पहली बात तो ये कि it's a very high time for you guys to start revising your syllabus. And I know, I'm sure कि बहुत लोग होंगे जिन्होंने अब तक कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया होगा. तो उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना कोर्स खत्म करो और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस रिवाइज करो. बिकॉज आगे जाके इतना प्रेशर बढ़ जाएगा ना एट द एंड मोमेंट कि आप लोग पीपी की गोलियां भी खा लो. मेरी एडवाइस है नो स्ट्रेस, से नो टू स्ट्रेस. एग्जाम्स के टाइम पे ज्यादा देखा जाता है कि स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे काफी स्ट्रेस लेते हैं. बोर्ड एग्जाम 12th का, ओ माय गॉड मुझसे नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा यार, कर लोगे, सब कर पा रहे, तुम भी कर पाओ. जितना स्ट्रेस लोगे ना उतना अपने आप को हार्म करोगे. आप स्ट्रेस लोगे, आप बीमार पड़ जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, दवाइयां खानी पड़ेंगी. इन शॉर्ट वो सब कुछ भूल जाते हैं. जो आता था वो तो भूलते हैं और जो नहीं आता था वो नहीं ही आता है. तो इसीलिए जितना आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे ना उतना ज्यादा अपने आप को हार्म करोगे, अपने स्टडी टाइम को किल करोगे. इसीलिए से नो टू स्ट्रेस. एडवाइस है कि एंड मोमेंट पे आकर आप कोई भी नई चीज लर्न करने की कोशिश मत करना. अगर आपने बिगनिंग में कोशिश की होती वो नई चीज याद करने की, नई चीज समझने की, तो फिर भी कोई फायदा होता. लेकिन एक एंड मोमेंट पे आकर आप एग्जाम के, मान लो दो दिन पहले आप एक नई चीज पढ़ते हो, अरे ये तो मेरे को आता ही नहीं है, और आप उसको नई चीज, उस नई चीज को पढ़ने के चक्कर में आप अपना जो आता होगा ना वो भी भूल जाते हो. बिकॉज एंड फिर वो लोग उस नई चीज को पढ़ने के चक्कर में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जो उनको आता होता था वो स्ट्रेस की वजह से सब भूल जाते हैं. और फिर वो उस नई चीज को लर्न करने के चक्कर में पढ़ते रहते हैं, सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, एंड में उनको समझ भी नहीं आता है. तो आप अपना सारा टाइम एक ऐसी चीज में जो आपको आने भी नहीं वाली है उसमें बर्बाद करते हो. इससे अच्छा जो आपको आता हो उसमें और इम्प्रूवमेंट करो ना. आप अपने पार्ट को स्ट्रॉन्ग बना लोगे, आपका एक चीज आपको डिफाइनिंग करेगा. क्या पता वो एग्जाम में आई ना, क्या फायदा फिर पढ़ के. तो इससे अच्छा है कि आप एक नई चीज को एक एंड मोमेंट पे स्टार्ट मत करो. अगर आप बिगनिंग से ही स्टार्ट करते हो तो वो अच्छी बात है, बिकॉज आप बिगनिंग में ही अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हो. लेकिन एग्जाम के दो दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप एक नई चीज पढ़ते हो तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे आपका नुकसान ही होगा. तो इट्स बेटर नॉट टू लर्न अ न्यू थिंग एट द एंड मोमेंट. थर्ड एडवाइस है रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज. आप जितना ज्यादा अपने सिलेबस को रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड. और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द बोर्ड एग्जाम. सो जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना यू टेंड टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू गिव द एग्जाम. और कई लोगों का मानना है कि एक पॉइंट पे आकर हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट मोमेंट तक स्टडी करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, एंड आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट. तो जितना हो सके उतना रिवाइज करो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज. फोर्थ एडवाइस है कि आपसे जितना हो सके उतने पेपर सॉल्व करो. बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो काफी इंटेलिजेंट है, जिन्हें पूरा पेपर आता है, बट दे टेंड टू गेट लेस मार्क्स. व्हाई? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स इन द पेपर. दे टेंड टू गेट लेस मार्क्स बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कंप्लीट द पेपर इन 3 आवर्स. तो इसीलिए अगर आप पेपर सॉल्व करोगे इससे तो एक तो आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा कि किस तरह का पेपर आने वाला है, एंड सेकेंडली आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी. इसीलिए सॉल्व एज मेनी पेपर्स एज यू कैन. फिफ्थ एडवाइस है कि इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. अब आपके कॉलेज में या स्कूल में आपके प्री बोर्ड्स तो होते हैं, और उन प्री बोर्ड को देने के बाद यू गेट टू नो वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ खड़े हो. तो इसीलिए आपसे जहां पे गलतियां हो रही हैं वो गलतियां दोबारा बोर्ड एग्जाम में ना हो. इसीलिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो, उन एरियाज पे ध्यान दो जहां आपके मार्क्स जा रहे हैं, सो दैट इन फाइनल यू गेट फुल मार्क्स. होप आप मेरी एडवाइसेस को ध्यान में रखोगे, एंड आई नो यू ऑलवेज स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज इन योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स. Wish you all the very best for your exams. In the video, then don't forget to give it a thumbs up. And if you have not subscribed to my channel yet, then do subscribe it. And also don't forget to click on the bell ring so that you get notified whenever my new video comes.